जगता सेठ जिहड़ा कि पटने शहर का एक बहुत वड्डा व्यापारी सी। उसका व्यापार भारत देश दे वड्डे वड्डे शहरां विच चलदा सी। सैकड़े लोग उसदे नौकर सन ते कई शहरां विच उसदियां वड्डियां वड्डियां हवेलियां सन। पर एक गल दी घाट सी कि उसदे घर कोई पुत्तर नहीं सी। पुत्तर दी दात नूं पाउण वास्ते उसने तीन व्याह भी करवा ले, पर तिन्हां विचों किसी भी पत्नी घर पुत्तर ना होया। वड्डे वड्डे हकीमां तो इलाज करवाया ते कई सारे पीरां फकीरां दियां मन्नतां भी मन्नियां। हजारां रुपए धन दान विच वंड दित्ता, पर उसदी मनोकामना फिर भी पूरी ना हुई। नवें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी जदों पटने पुजे तां जगते सेठ नूं पता लगा कि पंजाब दे विच्चों एक उच्च कोटि दे महापुरश आए हुए हन। तां ओह वी गुरु साहिब जी दे दर्शनां लई गुरु जी दे डेरे ते पहुँच गया। जगते सेठ ने जदों गुरु जी दे उपदेश सुने तां उसदे मन नूं बड़ा सकून जिहा महसूस होया ते ओह रोजाना गुरु जी दे चरणा विच आउण लगा ते बड़ी शरदा नाल संगत विच बैठ के गुरु जी दे उपदेशां नूं सुणदा ते उन्हां ते अमल भी करदा। गुरु जी दे उपदेशां अनुसार जगते सेठ ने अपने अंदर बहुत वड्डा बदलाव लैके आंदा। जगता अपने मजदूरां ते होर गरीब लोकां नाल बड़ी नरमी नाल पेश आउण लगा ते हर महीने अपनी कमाई का दसवां हिस्सा लोड़वंद लोकां विच वंडन लगा। जगते सेठ दा मन सच्चे परमात्मा विच जुड़ गया सी, पर फिर भी उसदे मन विच कई वारी ए आउंदा कि जेकर परमात्मा एक पुत्तर दी दात मैनू भी दे दिंदा तां मैं दुनिया दे इन्हां ताने मेहणियां तो मुक्त हो जांदा। एक दिन जगता सेठ संगत विच बैठा होया सी ते गुरु जी दे उपदेशां नूं सुन रहा सी कि उसदे हिरदे विचों एक चीज जही निकली कि सच्चे पातशाह सब कुछ जानदे हन ते कदी मेरी भी जरूर सुनणगे। गुरु जी दा सतसंग कई घंटे चलदा रहा ते जदों समाप्ति होई ता सारी संगत उठ के गुरु कल लंगर छकण चली गई। पर जगता सेठ अज लंगर छकण नहीं गया ते उत्थे ही बैठा रहा। गुरु जी ने जद देखिया कि जगता लंगर छकण नहीं गया ता गुरु जी दे मुँहों वचन निकले कि जगते तू हर रोज कुछ ना कुछ लंगर विच लैके आउंदा है ते अज साडा भी चित है कि तैनूं कुछ घर वास्ते दे दईए। तां गुरु जी दे मुँहों ये वचन सुन के जगता बड़ा हैरान होया। गुरु साहिब जी ने जगते नूं अपने पास बुलाया ते उसदे हाथ विच तीन सेब फड़ाए ते फरमाए कि जगते ये तीन सेब अज गुरु के लंगर विच बचे पए हन ते तू इन्हां नूं साडा प्रसाद समझ के अपने घर लै जा। तां जगते सेठ ने उन्हां सेबां नूं बड़े प्रेम सत्कार नाल अपने परने विच बन लिया ते खुशी खुशी अपने घर लै गया। घर पहुँच के जगते ने बड़े प्रेम नाल परने नूं खोलिया ते विच्चों तिन्ना सेबां नूं कढ के अपनियां तिन्ने पत्नियां नूं कहा कि ये प्रसाद मैनू गुरु साहिब जी ने अपने पवित्र हत्थां नाल दिता है ते तुसी तिन्नों जानियां एक एक सेब
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਗਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਗਤਾ ਸੇਠ ਤਿੰਨਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।